जितने भी युवा नेता हैं बहुजन समाज के, वो जब भी राजनीति में आते ही मायावती जी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ये वाकई में मायावती जी में कुछ कमियां है या उनकी बुराई है या एक या कोई एक षड्यंत्र है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो युवा नेता बहुजन समाज पार्टी में आते हैं और जो रहते हैं वो तो बुराई नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी में आते हैं और एक चुनाव या फिर कोई एक इलेक्शन लड़ने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। जो लोग अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं वही लोग बहन मायावती की बुराई करते हैं, क्योंकि वो उनके संघर्ष को नहीं जानते हैं। वो तो केवल ऐसे लोग हैं जो अपने लाभ के लिए, चुनावी फायदे के लिए, अपना राजनीतिक फायदा देखने के लिए बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद छोड़ जाते हैं। ऐसे लोग केवल बुराई करते हैं, लेकिन जो लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो युवा साथी हैं, पुराने साथी हैं, सभी साथी जो है, कोई भी उनकी बुराई नहीं करता। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लेरिफाई कर दूँ, तो इसलिए जो है ये मायावती जी के संघर्ष इतना संघर्ष है कि उनके जीवन को जो है भुलाया नहीं जा सकता है। जो लोग बुराई करते हैं बिल्कुल गलत है और उनका कोई बेस नहीं है, उनके अगर पॉलिटिकल फायदे नहीं नज़र आते हैं इसलिए पार्टी छोड़ देते हैं और फिर वो जो है उनके अलावा और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए बहुत सारे जो है लॉन्ग सेंग लगाते हैं, जो टोटली गलत है, सिरे से गलत है। क्या कारण है कि आज भी बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है? मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि प्रधानमंत्री बनने के लिए हर स्टेट से जितने भी MP सेलेक्ट होते हैं उसमें हर स्टेट का में प्रेजेंस बहुजन समाज पार्टी का बहुत ज़रूरी है। हमारा जो अभी कारवां चल रहा है वो कुछ ही प्रदेश में है जहाँ पे हम लोग बहुत प्रभावी ढंग से हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जो हम मेन है, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, कुछ बिहार में है। अगर कहें तो उत्तर भाषी जो भी हिंदी भाषी जो हमारे स्टेट हैं वहाँ पर हमारा प्रेजेंस है, इसलिए जो है, और जो जैसे साउथ इंडिया में लिए तो हमारा प्रेजेंस, जैसे कर्नाटका में हम एक MLA जिता पाए, जो हमारा प्रेजेंस है अभी उतना ज़्यादा नहीं है। और बहन मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हमको हर स्टेट से जो है उतना ही प्रेजेंस चाहिए और हर स्टेट से हमें अपना MP बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा कारवां अभी चल रहा है और आने वाले 5-7 साल या 10 साल में जो है ये 100% संभव है कि हमारी बहन मायावती जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, क्योंकि हमारा जो कारवां चल रहा है, अगर BJP की बात करें तो BJP ने भी कम से कम 60-70 साल लगाए तब जा करके आज जो है मेजॉरिटी में आए हैं। कांग्रेस की भी बात करें, क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी थी, 1925 में बनी थी, उन्होंने भी 50 साल के आसपास लगे तब जा करके उनकी सरकार बनी। तो हमारा जो कारवां चल रहा है और इस तरह से जिस हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंस हो रहा है, तो आने वाले दिनों में 100% जो है बहन कुमारी मायावती जी हमारी प्राइम मिनिस्टर होंगी। बहुजन समाज की जब कोई भी रैली निकलती है या कोई कार्यक्रम होता है उसमें लाखों की संख्या में लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात करते हैं वोट बैंक की तो वो शून्य होता है, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपका वक्तव्य है कि लाखों की भीड़ होती है और वोट शून्य होता है, ये आपका वक्तव्य ठीक नहीं है सिरे से। क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, स्टेट टू स्टेट वाइज बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करती हैं तो लाखों की संख्या अगर आती है तो 2 लाख में कन्वर्ट होती है। अगर दूसरे स्टेट की बात करें तो अगर लाखों की संख्या होती है तो ऑलमोस्ट जो है 25-30 हज़ार लोग जरूर कन्वर्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जो है बिल्कुल शून्य हो जाए। तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे होते हैं जो बहुजन समाज सत्ता में कैसे आएगा? बहुजन समाज का जो कारवां चल रहा है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है आगे बढ़ रहा है कि एक आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे जो है हम काबिज होंगे। और हो सकता है कि हमें थोड़ा समय लग रहे, क्योंकि किसी भी कारवां को आगे चलाने में, लोगों को जोड़ने में, संगठन बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, और हमारा एक संगठन ऑलरेडी तैयार है और हर तरह से जो है संगठन जो है अपना काम कर रहा है, और थोड़ा सा उसको और मजबूती देने की ज़रूरत है, और वो मजबूत होकर के एक न एक दिन जो है हमारा संगठन बहुजन समाज जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भारत के जो है जो महान पद हैं उस पर ज़रूर जो है बैठेंगे और उस पद को हम हासिल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।